सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुख भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे मुन्ने ननियालों की लंगोटिया चली गई। सुख भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे मुन्ने ननियालों की लंगोटिया चली गई। बाप की दवाई गई, बहन की पढ़ाई गई, बहनों भाई की पढ़ाई गई, बहनों की राखियाँ चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बहनों की राखियाँ चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता हुआ प्रवेश दिखाई देता है। वे भारत की घाटी में तिरंगों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमले करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर बस्तरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है कोई उनको इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है कोई उनको इतना समझा दो। एक बार सेना को भी निर्णय कर लेने दो, एक बार पत्थर का जवाब गोली से देने दो, एक बार पत्थर का जवाब गोली से देने दो। आप केवल आवश्यकता है हिम्मत के खुदारी की, दिल्ली केवल दो दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदो छाड़ा दो, घाटी में गैर होगा, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियाद पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे लहराने का अधिकार नहीं होगा। जब सिंहासन का राज